हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं वोल्टास बेको कंपनी के डबल डोर रेफ्रिजरेटर का, जिसकी कैपेसिटी है 250 लीटर्स की। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊं और आपको ये मदद करे इस फ्रिज को परचेज़ करने से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस रेफ्रिजरेटर का टॉप टू बॉटम व्यू पहले दिखाना चाहूँगा। और आप यहां देख सकते हैं नियो फ्रॉस्ट ड्यूअल कूलिंग टेक्नोलॉजी, और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी इन दिनों को हम लोग टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। बेसिकली नियो फ्रॉस्ट ड्यूअल कूलिंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि किस तरह की कूलिंग प्रोवाइड करती है, और ये दोनों डोर में आपको सेपरेट कूलिंग मिलता है, इसलिए इस फ्रिज में आपको अच्छी कूलिंग मिलती है। और जो कन्वेंशनल फ्रिज होता है उसमें आप देख सकते हैं एक ही सेटिंग से दोनों डोर्स में जो है सो कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये कंपैरिजन दिया गया है, और एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट प्रोटेक्ट फ्रॉम विटामिन सी, कुछ अदर यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर में मिलता है प्रो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, जिस पर हमें मिलती है 12 इयर्स की वारंटी, और इस फ्रिज पे हमें मिलती है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी। सो टोटल 1+11 ईयर्स ऑफ वारंटी वी आर गेटिंग ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पे वोल्टास बेको का लोगो आप देख सकते हैं। इस फ्रिज में हैंडल नहीं दी गई है, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह से आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट डोर है कुछ इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। इस फ्रिज की MRP है 26,990 रुपीज़, और ये एक 3-स्टार रेफ्रिजरेटर है, और 1 ईयर में अप्रॉक्स 252 यूनिट्स कंज्यूम करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी डिटेल्स। इस फ्रिज का मॉडल है RFF273B, एंड ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है, और इसकी कैपेसिटी 250 लीटर्स की। और ये इस फ्रिज का साइड, और ये इस फ्रिज की दूसरी साइड, ये इस फ्रिज की बैक साइड। बैक साइड कंप्लीटली पैक्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर यूनिट प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे एक साइड में आप एक स्टिकर देख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रिज की साइड्स गर्म हो जाती है, जो कि नॉर्मल है, आप इसे कोई ख़राबी ना समझें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जान ली है, तो चलिए अब क्विकली इस फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं इस फ्रिज की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी कैसी है। फ्रेंड्स, मैंने इस फ्रिज की कंप्लीट डोर ओपन कर दी है, और यह इस फ्रिज के इनसाइड व्यू का फर्स्ट इंप्रेशन। तो चलिए क्विकली इस फ्रिज को क्लोजली देखते हैं और देखते हैं हर एक सेक्शन को। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट टॉप टू बॉटम व्यू दिखाना चाहूँगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी दिख रही है, और दिखने से एक अच्छा फ्रिज दिख रहा है। और यह है इसके डोर साइड का व्यू, और अब मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ इस फ्रिज के फ्रीजर सेक्शन को। जो फर्स्ट डोर है वो कंप्लीट फ्रीजर सेक्शन होती है, और यहाँ पे हम आइस जमा सकते हैं एंड फ्रोजन फूड्स रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका क्लोज व्यू, अच्छा स्पेस दिया गया है इस रेफ्रिजरेटर में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ हर एक सेक्शन का। और यहाँ पे दो जो यूनिट आपको मिलती है वो कूल पैक है, बेसिकली ये कूल पैक यूज़ होता है इस फ्रिज की कूलिंग रिटेंशन को ज़्यादा देर तक रखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस ट्रे दिया गया है, और यहाँ पे हमें वाटर रखना है, और जब आइस जम जाए तो कुछ इस तरह से हमें इसे आइस को निकालना है, और नीचे वाली ट्रे से इसे निकाल कर आइस कलेक्ट कर लेना है। एक सेल्फ दी गई है, और ये सेल्फ है जो डिटैचेबल होती है, और इसे आप डिटैच कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिटैचेबल होती है, और कुछ इस तरह से लॉक हो जाती है। और यहाँ पे हमें मिलती है दो रैक, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके फ्रिज सेक्शन को,
यहाँ पे हमें मिलती है दो शेल्फ जो कंपार्टमेंट शेल्फ होती है, और ये कम्प्लीटली डिटैचेबल होती है, कुछ इस तरह से ये निकल जाती है। तो एक अच्छा लॉक दिया है वोल्टास कंपनी ने, आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉक प्रोवाइड किया गया, और इसकी डिज़ाइन ऐसी की गई है जो यहाँ पे जाके वो फिक्स हो जाती है। कुछ इस तरह से इसे फिक्स करना पड़ेगा जब आप इसे ऐसे ले जाइए, और यहाँ पे कुछ इस तरह से फिक्स करके आप यहाँ इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे दो बॉक्स दिए गए हैं, सो बेसिकली इस बॉक्स में रोलर लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये रोल। अब देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलर प्रोवाइड किया गया है। सो बहुत कम कंपनी रोलर प्रोवाइड करती है, तो वोल्टास ने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और ये रोलर इस पर जाके फिक्स हो जाती है और ये मूव करती है कुछ इस तरह से, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फिक्स हो जाएगी और कुछ इस तरह से मूव होती है ये। और इसका जो वेजिटेबल फ्रूट बॉक्स है उसमें भी रोलर प्रोवाइड किया गया है, ये शेल्फ है जिसे आप निकाल सकते हैं, और ये देखिए आप ये भी इस तरह से निकाल सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस वेजिटेबल बॉक्स को। और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, बेसिकली पीछे लाइट जलेगी तो ये लाइट आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बॉक्स में भी दिखेगी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं रोलर दिया गया है, और इसे कुछ फिक्स इस तरह से आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगी। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इस फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोलर, कम्प्लीटली डिजिटल कंट्रोल पैनल प्रोवाइड किया गया है, और टच बटन्स प्रोवाइड की गई है जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लाइट्स जल चुकी है, और ये अभी रीसेट कर रहा है जो फर्स्ट टाइम जो प्रोसेसिंग होती है। और LED लाइट आप इस फ्रिज के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लाइट जलती है, मैं आपको दिखाता हूँ ये LED लाइट ये कैसे जलेगी। और देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लू लाइट इस बॉक्स में जो प्रोवाइड की गई है, बैक साइड में ब्लू लाइट जलती है। और फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं इसका कंट्रोल पैनल, और यहां पे देख सकते हैं दो डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, एक फर्स्ट डोर के लिए है और नीचे वाला सेकंड डोर के लिए जो अभी डिस्प्ले जल रहा है। और सारी सेटिंग्स आप यहां से कर सकते हैं, इसकी टेम्परेचर की सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं, और यहां से आप इस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए ये इस तरह से कुछ टेम्परेचर कंट्रोल होगा, और ये अपर सेक्शन के जो फ्रीजर सेक्शन है उसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए दिया गया है, आप जैसे भी रिक्वायरमेंट हो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, और ये फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट इंडिकेटर है, सेकंड इंडिकेटर जो है वो फ्रिज कंपार्टमेंट इंडिकेटर है, एंड जो टेम्परेचर इंडिकेटर है वो मैंने आपको बताया ये टेम्परेचर इंडिकेटर है इस साइड। और जो आप टेम्परेचर सेट करने का जो बटन दिया गया है वो ये बटन है, एरर LED है, जब कुछ एरर आने पर ये LED जल जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी पैनल बनाई है वोल्टास कंपनी ने, इकोनॉमी मोड इंडिकेटर है, तो बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं, और कंप्लीट डिटेल्स यूज़र मैनुअल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है इस फ्रिज से रिलेटेड, और यहाँ पे इसका पैनल आप देख सकते हैं, जो लाइटिंग दी गई है लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, और यहाँ की लाइटिंग मैंने आपको दिखाई। और ये इसका डोर साइड, आप यहाँ पे मल्टीपल रैक्स आपको मिलते हैं, आप देख सकते हैं कुछ बड़ी रैक्स दी गई है, कुछ छोटी रैक्स दी गई है, और बड़ी बॉटल्स के लिए भी रैक प्रोवाइड किया गया है। और आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पे अपने फूड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सो मैं पिक्स डाल दूंगा इस वीडियो में और आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। और फ्रेंड्स ये इस फ्रिज का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, सो मेक श्योर कि आप यूज़र मैनुअल को ये अच्छी तरह से पढ़ें, ये आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में, और कैसे ऑपरेट करना है, और सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सारी सेक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दी गई है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आपको हेल्प करेगी इस फ्रिज को अच्छी तरह से समझने में। फ्रेंड्स मैंने इस फ्रिज की कंप्लीट डिटेल्स आपको बता दी है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी कमेंट्स इस वीडियो पे दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।